गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम एस के श्रीवास्तव फ्रॉम आरपीएस फैमिली। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ डिफाइन किए थे, शायद आप लोगों को वीडियो मिला होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कैसे कैसे इंटीजर्स का हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमारा होता है द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही होता है। स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, आप अपने कॉपी में कृपया इसको लिखते जाए, फिर जब हम लोग मिलेंगे तो उसकी करेक्शन होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 5, 2 भी हमारा एक इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। 2 और 5 को हमने ऐड किया 7, 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सेम उस तरह से एग्जाम्पल 2 हम देख सकते हैं, -5 + 7 = 2, यानी -5 भी हमारा इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और इसका रिजल्ट हमारा 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, -7 + 5 = -2, इसमें -7 भी हमारा इंटीजर है, +5 इंटीजर है हमारा और -2 भी हमारा इंटीजर है, यानी दो इंटीजर का सम हमेशा हम देख रहे हैं कि हमारा एक इंटीजर ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, -8 + -3 = -11, इसमें -8 भी हमारा इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है और -11 जो रिजल्ट आया है वो भी हमारा एक इंटीजर है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर हमारा हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा आता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम देखते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, यानी ए और बी कोई दो इंटीजर होगा तो उसका सम हमारा होगा a + b = b + a। दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन a + b = b + a हमेशा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम, 4 + 5 = 5 + 4, दोनों का सम 4 + 5 कर रहे हैं हमारा 9 आ रहा है एंड 5 + 4 किए ये भी हमारा 9, बोथ आर इक्वल। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं -7 + -5 का, -7 + -5 = -5 + -7, इसको भी हमने सम किया, प्लस माइनस माइनस हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया यानी -12 हो गया और यहां भी हमने दोनों को सम किया -12, दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, -12 - 12 देख रहे हैं, दोनों साइड हमारा इक्वल आ रहा है। तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ ए बी सी आर एनी थ्री इंटीजर्स देन a + b ब्रैकेट में रखेंगे इसको +c = a (b+c), दोनों हमारा इक्वल होगा। कहने का मतलब यदि a b c तीन इंटीजर कोई है हमारा तो a + b + c = a + b (c). नेक्स्ट जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं 4 + 5 ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको +6 = 4 + (5 + 6)
दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 4 9, 6, 4, 5 प्लस 6 11 हमारा होता है, फिर 9 प्लस 6 15 और 4 प्लस 11 इज ऑल्सो 15, दोनों हम देख रहे हैं हमारा बराबर हो रहा है, यानी ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज प्रूव हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेकर देख सकते हैं, -6 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -6 प्लस मिडिल ब्रैकेट देंगे स्मॉल ब्रैकेट -8 प्लस 5, इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। इसमें फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, यानी किसी भी डिजिट में हम जीरो को जोड़े या जीरो में किसी डिजिट को हम जोड़े, रिजल्ट हमारा जो इंटीजर्स है वही होगा, हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है, जो भी रहेगा हमारा जेड वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट ले सकते 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हमारा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम -7 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -7, दोनों को सॉल्व करेंगे हम, हमारा -7 रिजल्ट आएगा। सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटीज, जीरो जो इसमें है इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट 5 हमारा आ रहा है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, यानी कोई इंटीजर और उसका अपोजिट इज जीरो, हमेशा जीरो होगा। एंड एडिटिव इनवर्स में हमारा द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हमारा जीरो होगा। जैसे ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए जीरो, इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए हो जाएगा, हमारा चीन अपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, एडिटिव इनवर्स हमारा ये होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं -4 प्लस -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 0, 4 इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया, दैट मीन्स दोनों को एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमारा 0 ही होगा। डियर स्टूडेंट, इन सभी चीजों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें, जब हम लोग मिलेंगे तो करेक्शन होगा, और HW में हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। HW सेक्शन में एक्सरसाइज 1 जो है इसको पूरे बना लेना है हम लोगों को, ठीक है, ये हमारा HW सेक्शन हो गया, और पूरी ऑनेस्टली ईमानदारी से आप लोग बनाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक, बाय, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।